हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सारी सीधी रेखाएं हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर, और जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्रेंडली पर्सनैलिटी, जो फ्रेंडली नेचर है इनकी नज़र आ रही है। इस साइड को जो खड़ी रेखाएं हैं यह होना काफ़ी पॉजिटिविटी दर्शाता है। और यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है फिंगर्स, जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज पर्सनैलिटी भी कहा जा सकता है। लेंथ जो है फिंगर्स की वह थोड़ी सी नॉर्मल है, ज़्यादा लंबाई में नहीं है। तो कई बार ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और उसकी वजह से कई बार लॉस भी उठाना पड़ता है। तो जो अपोलो फिंगर है उसकी जो लेंथ है वह तर्जनी से ज़्यादा नज़र आ रही है, ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। और अगर बात की जाए मर्करी की तो मर्करी फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इनका मर्करी काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मर्करी का स्ट्रांग होना व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को भरता है, तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके रहने वाले हैं, और जिसकी वजह से बिजनेस में भी व्यक्ति का एक तरह से माइंड रहता है, बिजनेस करने का भी मन रहता है। और रुझान की वजह से ऐसे व्यक्ति कई बार लाइफ में बिजनेस भी ज़रूर करते हैं और उसमें प्रोग्रेस भी खूब होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग को, फिंगर्स की सेटिंग किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रही है, इस चीज़ को चेक करते हैं। जिसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पर सारे अमाउंट्स को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की लाइन जो है बनकर सामने आएगी, जिसमें देख सकते हैं कि जो मर्करी माउंट है थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, और ओवरऑल बाकी के माउंट्स सारे के सारे मुझे हाई सेट ही नज़र आ रहे हैं। तो मर्करी का लो सेट होना थोड़ी सी शाइनेस को दर्शाता है, शाइनेस थोड़ी सी स्वभाव में इनकी रह सकती है, अदरवाइज माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है मुझे, काफ़ी उभरा हुआ माउंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं, आपको दिखाना चाहूँगा क्लोजअप में। तो यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की लाइनें जो यहाँ पर बन रही हैं इनके हाथ में, काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं होना व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ को भी भरती हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर इन फील्ड्स में देखे जाते हैं, जो मेडिकल फील्ड है या काउंसलर्स हैं या जो बहुत अच्छे प्रवचन करता होते हैं, उनके हाथों में भी कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं मर्करी माउंट के ऊपर, जिनको मेडिकल स्टिग्माटा का नाम भी दिया जाता है। तो इस तरह की लाइनें होना सिर्फ मेडिकल फील्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, जो व्यक्ति किसी न किसी तरह के सोशल वर्क में जुड़ते हैं उनके हाथों में भी ऐसी लाइनें होती हैं। और इस तरह की लाइनें होना बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि खड़ी रेखाएँ सिर्फ मर्करी माउंट के ऊपर ही एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएँ होना अच्छा माना जाता है, और किसी माउंट के ऊपर ज़्यादा रेखाएं होने से उस एक तरह से माउंट की क्वालिटीज़ कम होती हैं, लेकिन मर्करी की क्वालिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर इस तरह की खड़ी रेखाएं हों। तो यह इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है, मर्करी माउंट प्रोमिनेंट हो रहा है। अपोलो की बात की जाए तो अपोलो माउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सीधी गहरी रेखा नहीं है, और काफ़ी सारी रेखाएं आकर जुड़कर एक रेखा में कन्वर्ट हो रही हैं, जो शो कर रहा है कि मल्टीपल टैलेंट्स इनके अंदर रहेंगे, और उन सब टैलेंट्स को मर्ज कर कर एक रेखा बन रही है, जो आगे चलकर ओल्ड एज में इनके अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट, सारे टैलेंट्स को मिलाकर एक टैलेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनको ओल्ड एज में चलकर नेम एंड फेम भी दिलवा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी रेखा ना होना कुछ हद तक सूर्य माउंट को वीक कर रही हैं। आगे चेक करते हैं शनि यानी कि सैटर्न, तो सैटर्न माउंट मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइन दिखाना चाहूँगा सैटर्न की रेखा जो है इनके हाथ में, यहाँ पर 36 के आसपास की एज में थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है, लेकिन काफ़ी क्लियर लाइन है सैटर्न की, और यहाँ से भी एक ऑफशूट सैटर्न की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल माउंट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, कोई भी फ्लॉ नहीं है माउंट के ऊपर, तो सैटर्न की तरफ से इनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स रहेंगे लाइफ में, प्रोग्रेस जो है थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी,
और काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पर इस माउंट को मैं देख पा रहा हूँ। और सैटर्न से जुड़े हुए किसी बिजनेस में अगर ये काम करते हैं तो उसमें इनको और भी ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। सैटर्न से जुड़े जुड़े बिजनेस जो होते हैं, जैसे लोहे का या किसी भी तरह के मेटल का व्यापार या किसी तरह के ऑयल का तेल का व्यापार करें, तो उसमें इनको ज़्यादा लाभ होने के चांसेस रहेंगे। हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस भी मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन का होना, एक तरह से गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन हो रही है, जो थोड़ा सा मूड को अप एंड डाउन रख सकती है। मूड स्विंग जैसी दिक्कत इनको हो सकती है इस तरह की पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन की वजह से। ओवरऑल कोई ज़्यादा डीप नहीं है, तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ आगे बृहस्पति माउंट को, तो बृहस्पति माउंट काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। फिंगर थोड़ी शॉर्ट ज़रूर है, लेकिन माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उभरा हुआ माउंट है, और यहाँ पर कुछ सिंपथी की रेखाएं भी मुझे नज़र आ रही हैं। सिंपथेटिक पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्रॉस जैसा चिन्ह भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही वीक है, लेकिन फिर भी क्रॉस का चिन्ह इस माउंट के ऊपर बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर क्रॉस का होना व्यक्ति को हर तरह की संपत्ति और धन दौलत एक तरह से प्रॉमिस में मिलता है। तो यहाँ पर यह भी एक काफ़ी अच्छा चिन्ह इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल काफ़ी सिंपथेटिक पर्सनैलिटी रहेगी। यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ तो फुटती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। तो लाइफ में प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है इनके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। सबसे पहले तो हार्ट की लाइन को मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगा। तो हार्ट की लाइन में काफ़ी सारे ऑप्शंस नीचे की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शो करते हैं काफ़ी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी, और जिसकी वजह से कई बार लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स मिलने के चांसेस रहते हैं। जिनके हाथ में हार्ट की रेखा से ज़्यादा नीचे की तरफ चलने वाले ऑप्शंस होते हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होते हैं, और इमोशनल एक तरह से इनको सेटबैक्स भी मिलते रहते हैं लाइफ में, वो भी उन लोगों से जिनके ऊपर ज़्यादा ये ट्रस्ट करते हैं, उनसे कोई ना कोई धोखा मिलना एक यहाँ पर कॉमन सी बात है उन लोगों के लिए जिनके हाथ में काफ़ी सारे ऐसे नीचे की तरफ चलने वाले ऑफशूट्स हों। और उसके अलावा यहाँ पर यह जो लाइन है इनके हार्ट की, यह भी काफ़ी गोलाई में चल रही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ चलती हुई और दोनों माउंट्स के सेंटर तक पहुंच रही है। जितनी ज़्यादा ये लाइन ऊपर की तरफ उठती है, उतने ही ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी होती है। और दूसरा इमोशनल होना यहाँ पर इस पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की वजह से भी है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल कोई भी मेजर फॉल्ट नहीं है इनकी हार्ट की लाइन में। आगे क्या करते हैं माइंड की लाइन को, तो माइंड की लाइन आप देख सकते हैं हथेली के दूसरी तरफ पहुँचती हुई माइंड की लाइन में देख पा रहा हूँ। बहुत ही क्लियर लाइन है, और ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा रही लाइन। बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी और बहुत ही शार्प माइंड मैं इनका देख पा रहा हूँ। काफ़ी लंबी लाइन का होना, यानी कि स्टडीज़ में भी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया होगा, और काफ़ी अच्छी लंबी लाइन है, और माइंड जो है काफ़ी शार्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा इनके हाथ में मुझे मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़े साइज़ का मनी ट्रायंगल, यानी कि काफ़ी मात्रा में ये पैसा भी अपने पास इकट्ठा कर लेंगे अपनी लाइफ में। एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पर कोई भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो आगे बढ़ते हैं माइंड की लाइन के बाद, चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। तो लाइफ की लाइन यहाँ पर काफ़ी क्लियर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन बन रही है, और काफ़ी पीछे की तरफ मुड़ रही है, यानी फैमिली के साथ अटैचमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने वाली है इनकी, क्योंकि लाइन का इस तरह से पीछे की तरफ मुड़ना यहाँ पर शो करता है। काफ़ी अच्छा वीनस एरिया कवर हो रहा है, हर तरह की सुख सुविधाएं भी इनको मिलेंगी, और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहने वाली है। दूसरा, एक लाइन का बाहर की तरफ निकल कर फिश जैसा सिंबल क्रिएट करना, जैसे यहाँ पर फिश जैसा सिंबल बन रहा है, शो करता है विदेश में जाने की डिज़ायर और वहाँ पर सेटल होने की इच्छा को। और यह लोग काफ़ी हद तक सेटल हो भी जाते हैं जिनके हाथ में इस तरह की लाइंस जो है बाहर की तरफ चलती हुई लाइफ लाइन से दिखाई देती हैं।
बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर परमानेंटली भी सेटल हो जाते हैं, लेकिन जिनकी लाइफ लाइन इस तरह से घूम कर वापस आ रही होती है, ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में वापस अपने कंट्री भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट शो हो रही है अपने कंट्री के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो यह एक काफ़ी अच्छा चिन्ह है। और दूसरा आप देख सकते हैं फेट की लाइन का मून एरिया से चलना, जो यहाँ से मून का एरिया है, जो जिसको हम विदेश का एक तरह से एरिया भी कह देते हैं, फॉरेन लैंड भी कह देते हैं, तो फॉरेन लैंड में ही भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से लाइन चलती है तो अपने कंट्री में ही भाग्य उदय होता है, लेकिन यहाँ पर मून से चलना हो तो फॉरेन लैंड में या फॉरेन की वजह से या विदेशी क्लाइंट की वजह से या विदेशी कंपनियों की वजह से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। तो यहाँ पर भाग्य उदय के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। वीनस माउंट मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, काफ़ी लाइफ में लग्जरीज एंड हर तरह की फैसिलिटीज़ इनको मिलती रहेंगी, जिसमें कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। और अगर देखा जाए तो मार्स की लाइन भी यहाँ पर साथ चलती हुई नज़र आ रही है कुछ इस एरिया में, तो जिसको आप कह सकते हैं एक स्पोर्टिव लाइन, जिसकी वजह से काफ़ी करेज रहता है व्यक्ति के अंदर। और यह लाइन जो है काफ़ी हद तक वीक मार्स को भी एक तरह से स्ट्रेंथ देती है, लाइफ को स्ट्रेंथ देती है, तो इस लाइन का होना भी अच्छा है। इनहेरिटेंस भी इस लाइन की वजह से मिलता है। ऊपर की तरफ उठने वाले ऑफशूट्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यह प्रोग्रेस को शो करते हैं, तो लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस इनके रहने वाली है। और काफ़ी सारे अच्छे चिन्ह हमने इनके हाथ में देखे, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि सारे के सारे चिन्ह जितने भी मुझे दिखाई देते हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है या कोई ना कोई सवाल जो होता है वह रह जाता है। तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हो तो मुझे व्हाट्सएप करें या ईमेल पे अपने क्वेश्चन को लिखकर भेजें, ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके सवालों के जो जवाब हैं वो टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।